गाइस, मैं आज आपको माइटोकांड्रिया के बारे में बताऊंगी कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकांड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग, जिसे हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ओके, तो माइटोकांड्रिया एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स या एक प्रकार का कोशिकांग होता है। कोशिकांग को ही इंग्लिश में ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, बात करते हैं उसकी। चलिए आज हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी के बारे में, क्योंकि माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। तो जो कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। लेकिन कुछ दिन बाद अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत छानबीन की, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दे दिया गया। वास्तव में जब कोलिकर नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने जब माइटोकांड्रिया की खोज की थी, तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है। उन्होंने खोज तो फिर अल्टमैन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब कि बहुत छानबीन की, उन्होंने देखा, तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दे दिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया, बायोप्लास्ट नाम दे दिया था। लेकिन सिवेंडा नामक वैज्ञानिक भी एक थे, उन्होंने भी काफी छानबीन की थी इस पे, माइटोकांड्रिया पे। छानबीन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि सन 1957 में उन्होंने ये बताया कि माइटोकांड्रिया, मतलब कि माइटोकांड्रिया को जो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बायोप्लास्ट नाम दिया था, सिवेंडा ने क्या किया, उसे फिर से माइटोकांड्रिया नाम दे दिया। मतलब कहने का यहाँ पे प्रोसेस ये है कि सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि ये माइटोकांड्रिया है, तो माइटोकांड्रिया का कोई भी नाम नहीं रखा गया था। लेकिन अल्टमैन नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नाम बायोप्लास्ट दे दिया। लेकिन सिवेंडा नामक वैज्ञानिक आया, तो उन्होंने क्या किया कि माइटोकांड्रिया उसे नाम दे दिया, बायोप्लास्ट से माइटोकांड्रिया नाम दे दिया था। इसी तरीके से माइटोकांड्रिया का कई नाम होते गया। ओके, तो माइटोकांड्रिया को हम कई नामों से जानते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट और है, एक सिक्विट्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफी माइटोकांड्रिया के बारे में छानबीन की। तो जो सिक्विट्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस भी कह सकते हैं, पावर हाउस या शक्ति ग्रह। मतलब कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है, मतलब कि इसमें एनर्जी होती है, इसलिए हम इसे पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कह सकते हैं। तो माइटोकांड्रिया को बच्चों कई नामों से गाइस जानते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस, बायोप्लास्ट, ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह। तो माइटोकांड्रिया के ऐसे बहुत से नाम हो गए। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि माइटोकांड्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। तो गाइस देखिए, माइटोकांड्रिया नीलहरित शैवाल मतलब कि ब्लू, ठीक है, एल्गी जो होती है, और बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब कि जीवाणु, उन दोनों को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर बाकी से सभी पदार्थ, मतलब कि सभी में, सारे सेल्स में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया के आवरण के बारे में। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन एक डिस्कवर्ड में और छूट रहा है कि एक कार्कबुन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? कार्कबुन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि माइटोकांड्रिया में दो चक्र भी होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया में दो चक्र भी होते हैं। पहला चक्र जिसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, मतलब कि क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन। ओके, तो उन्होंने कार्कबुन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि माइटोकांड्रिया में दो चक्र भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया के आवरण के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, माइटोकांड्रिया मेरे पास बोर्ड नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ, ठीक है, बना नहीं पा रही हूँ माइटोकांड्रिया को। तो माइटोकांड्रिया जो बना हुआ होता है, मतलब कि जो मतलब जिस आकार से बना होता है, उसके चारों ओर के जो बाहरी आवरण होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। जो पतली तथा लचीली होती है, क्या होती है? पतली और लचीली होती है, जो वसा की बनी होती है, ठीक है, ये वसा की बनी होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी, उसके अंदर एक लेयर बनी होती है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लिक्विड पदार्थ होते हैं एंड कुछ लेयर भी होती है जो उसके अंदर मतलब की बनी होती है, एक जो वर्याकार आकार की बनी होती है, थोड़ा वी आकार की बनी होती है। मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे
ये कह सकते हैं कि वल्याकार त्रिकोणाकार की बनी होती है, लेकिन गोली नहीं होती, वो ऐसे होती है ओके। तो मतलब कि वो वल्याकार की बनी होती है, जिसे हम लोग कृष्टि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसे हम कृष्टि के नाम से जानते हैं ओके गाइस। अब बात करते हैं कि जो कृष्टि, उसकी खोज किसने की थी? कृष्टि की खोज की थी फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? फर्नांडिस। मतलब माइटोकांड्रिया की खोज तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने मतलब कि नाम बताया था। फिर उसके बाद सिवंडा ने भी उनको प्रोसेस बताया, लेकिन एक वैज्ञानिक थे फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये माइटोकांड्रिया के अंदर वाली झिल्ली के बारे में, मतलब कृष्टि के बारे में खोज की थी ओके। तो कृष्टि के बारे में जब उन्होंने खोज की, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कई ऐसे पदार्थ होते हैं, या सकते कैसे कई ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि बात करें तो डीएनए, ठीक है, डीएनए भी पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, एंड कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं ओके। तो उसके अंदर कई चीजें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऊर्जा, देखिए ऊर्जा में एनर्जी होती है, इसी वजह से हम मतलब कि ऊर्जा में श्वसन की क्रिया भी होती है, इसलिए हम लोग उसे श्वसन का चक्र भी कहते हैं, श्वसन का केंद्र, श्वसन का चक्र भी कहते हैं, मतलब कि ओके गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मतलब कि कृष्टि के मैट्रिक्स के अंदर जो ये डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि माइटोकांड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, वो खुद का डीएनए होता है, उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं का डीएनए होता है, मतलब माइटोकांड्रिया खुद का डीएनए ग्रहण करता है, किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा चीज बात करते हैं राइबोसोम की, ठीक है। राइबोसोम जो होता है माइटोकांड्रिया, देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक होता है 70S राइबोसोम, कितने होते हैं 70S राइबोसोम, और एक होते हैं 80S राइबोसोम। लेकिन जो 70S के राइबोसोम होते हैं वो माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं ओके। तो माइटोकांड्रिया में 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं ओके। और राइबोसोम की एक चीज और मेन पॉइंट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि राइबोसोम को और किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम भी कई प्रकार के पाए जाते हैं उसमें ओके, जैसे टाइरीन, पेप्सिन, ऐसे बहुत से एंजाइम होते हैं, लेकिन एंजाइम भी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया के आकार के बारे में, आकृति के बारे में, माइटोकांड्रिया की कितना आकार होता है, कितनी आकृति होती है ओके। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं माइटोकांड्रिया के बारे में, देखिए माइटोकांड्रिया। अब हम बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया जो होता है, सो गाइस यहीं पे मैं फिनिश करना चाहती हूँ, इतना वीडियो बहुत है, एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो पूरी वीडियो बनाऊंगी ओके गाइस, थैंक्स।